श्रीकृष्ण कन्हैया लकी श्रीनिजानन्दस्वामी की श्रीप्राणनाथ प्ये की कायमा कर श्री कृष्ण कन्हैया लाल की पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की महिमा बताई गई है वही प्रसंग चल रहा है कि हम तो अपने हिसाब से लौकिक बुद्धि के हिसाब से अपनी अभिलाषाएं रखते हैं किंतु उसको पूर्ण करने वाले तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही हैं वो अपने हिसाब से पूर्ण करते हैं। हम हमारी मांग तो छोटी होगी और वो हमारे लिए कितना कुछ ज्यादा सोचते होंगे और वो ज्यादा देंगे तो इस प्रकार से कह रहे हैं जे आई गाल विचारियो रूहें मेड़ो करें जे आई गाल विचारियो आई अब ये रूहें दोनों उसका मिला करके अर्थ करना पड़ेगा ये आई रूहें हाँ जो आप सभी आत्माएं गाल विचारियो ये विचार करें कि मेड़ो करें धाम धामधनी से मिलें यदि सब आत्माएं मिलकर ये विचार करें कि हम धा, हमें धाम हमें धामधनी से मिलना ही है तो इस प्रकार की अपेक्षा रखेंगे तो तहि तो न सगो कि ये राध में हे कूड़ा बजुद धरे त तो रही न सगो किए राध में रही न सको कहने का तात्पर्य रह नहीं सकेंगे कि ये किसी भी प्रकार से राध में खेल में यदि हम विचार करें कि धनी से मिलना ही है तो तो धामधनी हमारी अभिलाषा को पूर्ण करेंगे ही ना हम किसी भी प्रकार से दुनिया में रह नहीं सकेंगे ये कूड़ा बजुद धरे ये कूड़ा का तात्पर्य झूठा त्याज्य तो जैसे कूड़ा बोलते हैं ना तो वो फेंकने जैसे त्याज्य तो ऐसे त्याज्य शरीर धारण करके जो उठा तो हम रह नहीं सकते तो हम रहते ही नहीं ना तामदनी तो हमें कब के बुला लेते तो ये अलग अलग प्रकार के भाव हैं सहूर डीएम मुहियो कठन के याओ निपट सहूर डीएम मुहियो तो मेरे दिल में ये शहुर ये समझ दी है और कठन के आयु निपट मेरे हृदय को उन्होंने निश्चित रूप से कठिन भी बनाया है कठोर भी बनाया है तो उसका कारण कि यदि समझते ही शरीर छूट जाए तो फिर ब्रह्मात्माओं के लिए क्या होगा तो ब्रह्मात्माओं को कुछ कहलाने के लिए मेरे हृदय को कठोर बनाया है ये कहना चाह रहे हैं न अंधे ही जो न था अन्यथा विचार कंदे विचार करते हुए एक हरफ जो तो उन्होंने जो ज्ञान दिया है हमें उस पर उसके एक हरफ का भी हम विचार करते फट्टी पोए न उफट उफट का अर्थ है तत्काल फट्टी पोए का मतलब फट जाना तो मेरा हृदय तुरंत तो ही फट जाता ना तो धामधनी के इतनी महिमा इतना गुण इतनी कृपा ये सब विचार करते हुए मेरा हृदय तो तुरंत ही फट जाता तो धाम ने कठोर बनाया है इसलिए शरीर धारण करके अः अभी तक वो शरीर को टिका करके रखा अन्यथा शरीर छूट जाता ये कहना चाह रहे सब अंगडी नाओ कठन तरयो बंजी आकार सब अंग डीनाओ डीनाओं का तात्पर्य बनाया दिया सब अंग डियाओं कथन दिल के साथ साथ अन्य अंगों को भी कठोर बना दिया ता, तभी रहियो बंजे रह गया आकार ये शरीर टिकारा अन्यथा ये शरीर टिकता नहीं न ता सुनी विचारी हे न ता अन्यथा सुनी विचारी सुन विचार करके हे गालियों ऐसी वचन ऐसी बातें सुन विच सुन करके विचार करके की रहे कांधा धार की रहे कैसे रहे कांधा धार कांधा तो प्रियतम धनी और धार बिना तो धनी के बिना हम दुनिया में विश्वविरा भूमि में कैसे रह सकते तो ये कहना चाह रहे हैं कि धामदनी ने ही किसी कारण से हमारे सब अंगों को कठोर बना दिया हृदय को तो बना ही दिया पहले चौपाई में हृदय की बात कही नहीं तो हृदय तुरंत फट जाता विधि हो जाता और हृदय फट जाए तो, तो ये तो अंतिम हो जाता है तो दूसरा मानो दिमाग भी फट जाए तो भी आदमी बचता है दूसरे अंग है वो फट जाए तो भी बचता है दिल फट जाए तो नहीं बच सकता तो तो वो दिल फटी जाता तो ऐसा कह रहे हैं और उसके बाद में दिल के साथ साथ में दूसरे अंग भी ऐसे फटे नहीं हैं विदीर्ण नहीं हुए हैं वो सब धाम सोच विचार करके ऐसा रख रहे हैं उनको कठोर बना दिया इलमानाओं पाइंजो मैं निपट बड़ो विचार इलम डिनाऊ पाइंजो तो अपना ज्ञान दिया इलम डिनाऊ अपना ज्ञान दिया पाइंजो अपना दिनाओ दिया इल्म ज्ञान मैं निपट बड़ो विचार तो मैं क्या ऐसा है कि जैसे कई स्थानों में साथ में इस अर्थ में मय देते हैं तो ये न, कोई वस्तु लेने जा रहे हैं तो उसके साथ में दूसरी वस्तु उस वस्तु का भाव जो दिया है तो उसके साथ में दूसरी वस्तु भी मिल जाएगी अथवा तो उसके साथ में लगने वाली चीज़ भी उसी में आ जाएगी तो उस अर्थ में तो मैं इस शब्द का प्रयोग करते हैं तो, तो यहाँ पर मैं निपट बड़ो विचार तो उसमें निपट बड़ा विचार गहन विचार भी उसी में ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसा ज्ञान दिया जिसमें बहुत तरह से विचार कर सकते हैं ज्ञान भी दिया और विचार करने की क्षमता भी दिया है तो सार गर्वित ज्ञान दिया है जिस पर विचार करते जाएंगे तो जिसका कोई पाराबार ही नहीं है केवल छोटा मोटा ज्ञान नहीं दिया उसमें बहुत गुड़ रहस्य भरे हुए हैं ऐसा कहना चाह रहे हैं बका न चौदह तबक में से डिनो पटे द्वार बका न चौदह तबक में चौदह लोक में कोई भी स्थान अखंड नहीं है से डिनो ऊपटे द्वार इसलिए धाम धनी ने दिनो दिया उपटे द्वार ये ज्ञान इसलिए दिया कि इसके माध्यम से परम धाम के द्वार खुल जाए तो इस ये ज्ञान दे करके परमधाम के, के द्वार खोल दिए चौदह लोक में कहीं अखंड स्थान तो है ही नहीं जहाँ हम रह सकें हमें संतोष मिल जाए जो ज्ञान प्राप्त करने से हमें संतोष मिल जाए हमारा काम चल जाए तो ऐसा कुछ नहीं है इसलिए ये ज्ञान दिया और इसके साथ में तो हमें परमधाम के द्वार भी खोल करके बता दिए कि देखो ऐसा है बिहारे ते बीच में जो बकावतन तो ऐसे धाम में बिहारे तो यहाँ बैठाना अर्थ दिया है बिहारे विचरण करवाया ये भी हो सकता ऐसे धाम में बैठाया जो बकावतन जो अखंड है तो इस चौदह इस लोग से आगे ये तो कहीं टिकने वाले जगह ही नहीं है तो हमें ऐसे अखंड धाम में बैठा दिया कभी मिटने वाला नहीं है करे न कांधस से ऐसे धनी से संबंध बना दिया असल कायम रूह तन तो जिसमें रूहों का तन परात्मा आत्मा तो उसका कायम संबंध है तो इस तरह से ये समझा दिया देखो तुम्हारा असली संबंध तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से है और वो सदैव है तो ये समझा दिया इस ज्ञान के माध्यम से और तुम्हें परमधाम में बैठे हुए का अनुभव करवाया तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि हम बैठे बैठे परमधाम में बैठे ऐसा अनुभव करवाया और पूर्ण ब्रह्म के साथ में तुम्हारा संबंध ये भी अनुभव करवा दिया तो कितना रहस्य पूर्ण ज्ञान है हे आइयो सब दिल जी पूर्ण करे हे एल्म ज्ञान एहडो ऐसा आइयो आया ऐसा ज्ञान हमें प्रदान किया अर्थ आइयो है हा? ये ज्ञान ऐसा है आयो आने अर्थ में नहीं है ये है अर्थ में आए से आइयो हो गया तो ये ऐसा ज्ञान है कि ए है इसलिए ये ऐसा ज्ञान है सब दिल जी पूर्ण करे दिल की सारी कामनाओं को पूर्ण कर देता है कोई कामना बचती नहीं कोई संदेह ही नहीं है दे इश्क मेरे कांध से दे इश्क प्रेम दे करके मेढे कांधस से पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के मिलन का अनुभव भी करवाता है घर पूजाए नूर परे घर को घर पहुंचा देता है कहा नूर परे नूर से भी परे अक्षरातीत परम धाम में पहुंचा देता है ऐसा ज्ञान है तो ये तारतम ज्ञान की महिमा बताई रूहे पाण विचारियों इन हिन संदोह का ये ज्ञान प्राप्त होने के बाद में भी रूहे ब्रह्म आत्माओं ने पाण स्वयं न विचारियो स्वयं विचार नहीं किया हिन इल्म यह ज्ञान तो संदोह हक धामधनी के साथ का धामधनी के पास से आया हुआ है धामधनी का दिया हुआ है संदोह का साथ अर्थ में तो उनका किसी के साथ में तो उस तरह से ये तो पूर्ण ब्रह्म का दिया हुआ ज्ञान है ऐसा आत्माओं ने स्वयं नहीं विचार किया से कि करे पूरी उम्मीद जे में नाहे शक तो अब ये कहते हैं जे में नाहे शक जिसमें संदेह ही नहीं है ऐसा ज्ञान से कि अब करे पूरी उम्मीद हमारी अभिलाषाओं को पूर्ण क्यों नहीं करेगा ऐसा ज्ञान है तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है ब्रह्मात्माओं ने कभी ये विचार नहीं किया तो ये कह रहे हैं हम भी तो ये ऐसे विचार नहीं करते हैं तो हम ये थोड़े सोचते हैं कि अरे ये तो अक्षराधित का दिया हुआ थोड़ी देर सुनते हैं तब तक लगता है और बाद में तो ऐसा ही है धनी पाइंजो पाण के विचार न विचार न डे अब ये उसमें ये दूसरा भाव व्यक्त कर रहे हैं धनी जो पाण के धाम धनी जो धनी, धनी अपने धनी पाण के स्वयं हमारे लिए स्वयं विचारण न दे हम स्वयं विचार कर सके ये स्थिति बनाने नहीं दे रहे क्यों के -के हिन में के -के कितने दिन हिन राध ने इस इस खेल में करे थो रखने के तो वो हमें इस खेल में कितने दिन तक और रखना चाह रहे हैं कि तुम्हारे तुम्हें पूरी तरह से समझ में आ जाए इस तरह से रखना चाह रहे हैं इसलिए स्वयं हमें विचार करने भी नहीं दे रहे हैं तो थोड़ा और दिखाना चाह रहे हैं ये कहना चाह रहे हैं करे तो रखण के करे तो रखना चाहते हैं रखने के लिए करते हैं करे तो करते हैं ऐसा अर्थ में तो रख रखने के लिए काफी दिन तक रखना चाहते होंगे इस प्रकार से मुके अकल न इश्क से पटक होल्याण मुके अकलन इश्क में तो न तो ज्ञान है ना प्रेम है से पट खोलिया पाण इसलिए धामदन ने स्वयं पाण या धनी के लिए है स्वयं पट तो ये पर्दा खोल करके बता दिया उन्होंने उन स्वयं उघाड़ियो आँखियों रोहन जो आत्मा की आंख को खोल दिया थे मे सुझाना जिससे थेयम हुई सभे सब प्रकार से सुजान तो मुझे सब प्रकार से समझदार बना दिया सब प्रकार से समझा दिया नाता केरा आऊं केरे इल्मा नहीं तो कहा नाता केरा आऊं मैं कौन हूं और केरे इल्म ये ज्ञान क्या कहा मैं मैं कैसे और कैसा ज्ञान आऊं हुई सके हाल मैं किस हाल में थी पूजा ये है न मजल के हिन मजल के ऐसी भूमिका में ये पहुंचा दिया मुंह धनी नूर जमाल तो मेरे धनी तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा उन्होंने मुझे ऐसी भूमिका में पहुंचा दिया कहां से कहां पहुंचा दिया हम कहाँ माया में पड़े हुए थे और सीधा परमधम में बैठे हुए अनुभव करवाया वो कहना चाह रहे आऊ हुई सबीले के घर हम तो कबीले के घर में थे कबीले के परिवार का ही गंदो बजुद धरे ही ऐसा गंदो एक प्रकार से गंदा कुचेला कबीले तो के घर में बैठे थे थे हम धनी नूर जमाल घर अब हमें ऐसा अनुभव होने लगा कि हम नूर जमाल धाम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के घर में बैठे हुए हैं जे दरा नूर आचे मुजरे जिस घर के दर्शन के लिए तो अक्षर ब्रह्म भी आते हैं अब हमें लगने लगा कि हम तो ऐसे घर में बैठे हैं जहां अक्षर ब्रह्म दर्शन करने के लिए आते हैं ऐसा अनुभव करवा दिया इस ज्ञान ने बाहर मंज अंतर सबन हंदे इश्क अब परम धाम में क्या है बाहर मंज भीतर अंतर अंतर हृदय में भी बाहर भीतर जहां देखो सबन हंदे इश्क सब ठिकाने सब स्थान पर प्रेम ही प्रेम है परम धाम ऐसी भूमिका है सर्वत्र प्रेम है प्रेम से परिपूर्ण है रू अल्लाह दिखा रही तो रो अल्लाह श्री श्यामा जी ने सदगुरु बनकर के दिखा रहे दिखाया बड़ी दोस्ती हक कर, तो धामधनी के साथ में बड़ी दोस्ती दिखा दी कैसा प्रेम होना चाहिए धामधनी के साथ में वो बात श्री श्यामा जी ने स्वयं सदगुरु बन करके दिखा भी दिया है मुंह फिराक हिना धनी जो फिराक वियोग ऐसे इन धनी का मेरा आ, आ, ये फिराक वियोग मुआ अग, मुआ अगरोन धनी के मुआ अगरोन धनी के मुँह फिराक हिन धनी जो तो मेरा मुझे धाम धनी के प्रति जितना वियोग है तड़प है तो मुआ अगर मुझसे अधिक है धनी के धनी को है तो वो ज्यादा हमसे ज्यादा प्रेम करते हैं और हमें हम, हम, हम हमें जल्दी मिलने के लिए वो करते हैं हमसे अधिक है धनी को मैं मुझे जितना है हमसे अधिक है आऊ बैठी स धनी नजर में तो मैं तो धनी के दृष्टि में ही बैठी हूँ सीधी न गढ़ जाते फिर भी सीधी न गढ़ जा सीधा सीधा मिल नहीं सकती गढ़ जा नहीं मिल सकती तो मैं ऐसे तो धनी के दृष्टि के सामने ही बैठी हूँ उनके नजर के सामने फिर भी मिलन का अनुभव नहीं कर पा रही हूं मुंह फिरा कर धनी न सहे मेरा वियोग धनी सहन नहीं करते इसलिए मुके के बिहार आई तरे कदम इसलिए धामधनी ने मुझे चरण तले ही बैठाया बिहारी का मतलब बैठाया तरे कदम चरण तले बैठाया वो दूर करना नहीं चाह रहे थे इसलिए धनी पाइन जी रोहन के मेरे आत्मा के धनी रई न सके हे कदम एक क्षण भी वो हमारे बिना हम अंगनाओं के बिना नहीं रह सकते इसलिए उन्होंने हमें खेल दिखाने के लिए दूर लेकर ले के ही नहीं गए चरणों में बैठाया और तो फिर हमको दिखाया इस तरह से वो देखने के अलग अलग भाव है मुंह धनी रे घारई मुंजी सब उमर मुंह मैंने धनी रे धन, धनी के बिना घारई तो घारई का तात्पर्य व्यतीत किया मुंजी सब उमर अपने अपने उम्र धनी को पहचाने बिना ही हमने पूरी आयु व्यतीत कर दी इतना समय व्यतीत कर दिया इसका धनी या मुह जो धनी का प्रेम या हमारा पसजा पटंदर यही तो अंतर है देखो तो ऐसा पसजा देखो पटंतर मेरे प्रेम में और धनी के प्रेम में यही अंतर है धनी तो इतना प्रेम करते हैं तो अपने चरणों में बैठा करके उन्होंने दुनिया दिखाई और हम पूरी उम्र तक उनको भूल करके बैठे ये कहना चाह रहे महामत चोहे असा इश्क बेबरोई महामते कहते हैं चोहे कहते हैं मे जी हे प्रियतम धनी असा इश्क बेबरोई ये हमारे प्रेम का विवरण है हमारे प्रेम तो ऐसा है आपका ऐसा है यो बता रहे मुझे आंजे दिल जी आऊ कदिश अरज बेई मुंजे मेरी और आंजे आपके दिल की बात आऊं कंदिश मैं कंदिश करूंगी अरज बेई दोनों अर्ज दोनों के दिल की बातें मैं कभी आपसे प्रार्थना करूंगी ऐसा करके कह रहे हैं यहाँ इस प्रकार से इस प्रकरण को पूर्ण कर रहे हैं हो सकता है आगे के प्रकरण में ये बात करें

आसा इसका बेवरोई मुझे आजे दिल जी मुझे आंजे दिल जी आहो कांदीसा अरजबे आहो कांदीसा अरजबे आहो कांदीसा अरजबे आहो कांदीसा अरजबे कन्हैया लाल की जय